Now, what are the essential elements of dying declaration? Pehla, person who makes dying declaration must be mentally fit. Mentally fit होना चाहिए. दूसरा, अगर कोई दूसरा statement दिया जाता जो कि उसके cause of death या circumstances relating to death से related नहीं होता है तो वो relevant नहीं होगा. और एक person जो dying declaration कर रहा है, ये observe किया जाएगा कि वो जिन भी statement को दे रहा है वो किसी particular person के fear, coercion या pressure में आकर के नहीं दे रहा है. Statement must be free from every kind of inducement, threat, promise, coercion. ठीक. अब कृष्णा लाल वर्सेस सगुन नाथ, जगुन्नाथ. ठीक है, कृष्णा लाल वर्सेस जगुन्नाथ के केस में कोर्ट ने यह कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है कि पर्सन हु इज गिविंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू हिज डेथ, दैट स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, कोर्सन. एविडेंस लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से डील करेंगे. अपने अब तक के वीडियोस में हमने एडमिशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है, हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है, और जितने भी सेक्शंस हैं एडमिशन और कन्फेशन के उन सभी सेक्शंस पर सेपरेट वीडियोस पड़े हुए हैं. अगर आप एडमिशन और कन्फेशन के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना चाहते हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं. आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 32 जो बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को होल्ड करता है उस पर चर्चा करेंगे. आज के इस वीडियो में हम डाइंग डिक्लेरेशन के जनरल कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट से हटकर समझेंगे. इस वीडियो के बाद हम दूसरे वीडियो में सेक्शन 32 के बेयर एक्ट के लैंग्वेज को समझेंगे और जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जो भी केस लॉज हैं आपके बेयर एक्ट में, उन्हें समझेंगे. ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन पे दो वीडियोज आएंगे. पहला जो कि जनरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, जो कि आज का हमारा वीडियो है, और दूसरा वीडियो बेयर एक्ट पर बेस्ड होगा, बेयर एक्ट स्पेसिफिक होगा. ठीक है, अब बहुत ज़रूरी है अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन का जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो बेयर एक्ट में जिस तरह से डाइंग डिक्लेरेशन को बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलिए. तो सेक्शन 32 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को होल्ड करता है. अब देखो कुछ बातें जिन्हें हमें दोबारा से रिकॉल करना चाहिए. हम जानते हैं कि हमारे एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक. एविडेंस एक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 2 विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम केवल और केवल उन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि रेलेवेंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोर्ट केवल उन्हीं एविडेंसेस को अलाउ करता है जो कि रेलेवेंट फैक्ट होते हैं. हम इररेलेवेंट फैक्ट को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते. तो ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जानें कि कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हैं और किन फैक्ट्स को हम कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. तो चैप्टर 2 बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, और इसी चैप्टर के तहत डाइंग डिक्लेरेशन का
कॉन्सेप्ट आता है। सेक्शन 32 राइट, अब डाइंग डिक्लेरेशन के जनरल मीनिंग को समझो। देखो डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग का मतलब है अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई। तो एक पर्सन जो कि मरने के कगार पर है, जो अब बस मरने ही वाला है, वो कुछ डिक्लेयर करता है। तो क्या उस पर्सन का डिक्लेरेशन किसी पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर के रेलेवेंट माना जाएगा, एडमिशिबल होगा कोर्ट में? क्या उसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, उसके द्वारा कहा गया कोई पर्टिकुलर फैक्ट हम रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे और उसे एडमिशिबल मानेंगे बिफोर द कोर्ट? क्या कोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के स्टेटमेंट को एंटरटेन करेगा, एविडेंस के तौर पे मानेगा? यही कहलाता है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, एक पर्सन जो कि बस मरने ही वाला है, हु इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, डिक्लेयर्स समथिंग, कुछ डिक्लेयर करता है अबाउट हिज कॉज ऑफ डेथ या उन सभी सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है विच लीड्स टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो कि उसके डेथ के कारण बने हैं। तो क्या उसका ये स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ, रिलेटिंग टू दी सर्कमस्टांसेस रिगार्डिंग हिज डेथ, क्या एडमिसिबल होगा बिफोर द कोर्ट? राइट, ये है सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है? केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन हु इज डेड और cannot be found relevant, ठीक। तो वो कौन कौन से केसेस हैं इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, जो कि मर गया है, और कैनॉट बी फाउंड, रेलेवेंट। तो वो कौन कौन से केसेस हैं जहां एक पर्सन जो कि डेड पर्सन है या who cannot be found, जो कि अब कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता है, who cannot be found, कोई स्टेटमेंट देता है रेलेवेंट फैक्ट का, वो क्या होगा? रेलेवेंट होगा, वो एडमिशिबल होगा बिफोर द कोर्ट। यानी अ पर्सन हु इज डेड और cannot be found gives स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज एडमिशिबल बिफोर द कोर्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, और ये स्टेटमेंट क्या होगा? रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो देखो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एंड आफ्टर मेकिंग दैट स्टेटमेंट इफ दैट पर्सन डाइज देन सच स्टेटमेंट बिकम डाइंग डिक्लेरेशन। तो एक पर्सन जो कोई स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट को देने के बाद वो मर जाता है, ही एक्सपायर्स,
तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है और जिस पर्सन के अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट दिया गया है या जिस पर्सन के फेवर में वो स्टेटमेंट दिया गया है वो उसके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे या उसके फेवर में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा, रेलेवेंट होगा। जैसे मान लो अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, जो कि अब बस मरने वाला है, वो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ही मेरी ये दुर्दशा की, मुझे मारा है। तो इसके द्वारा दिया गया ये जो स्टेटमेंट है वो इस पर्सन के अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। या सपोज करो दूसरा कंडीशन कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है हु इज अबाउट टू डाई, वो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसने किसी भी प्रकार से मुझे नहीं मारा है, ठीक है, और इसका कोई दोष नहीं है। तो इसके द्वारा अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, इसके द्वारा दिया गया ये जो स्टेटमेंट है वो इसके फेवर में काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि अ पर्सन हु इज गिविंग सम स्टेटमेंट और हु इज अबाउट टू डाई एंड गिव सम स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट को देने के बाद वो पर्सन मस्ट डाई, उसे मरना ही होगा। अगर वो मर जाता है तभी उसका जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां से भी आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो नॉलेज ग्रिप लेकर के सर्च करना, आसानी से आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ नोट्स पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब जैसे मान लो एग्जांपल मिस्टर ए, ठीक है, जो कि बुरी तरह से इंजर्ड थे, इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था और इन्होंने अपने इंजरी के बारे में अपने उस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में अपने वाइफ, डॉक्टर, पुलिस, चिल्ड्रन को बताया, जो कि उस समय उस पर्टिकुलर रूम में प्रेजेंट थे, और उसके बाद वो ही डाइज लेटर ऑन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगा और कोर्ट में एडमिशिबल माना जाएगा, और इनके द्वारा दिया गया ये जो स्टेटमेंट है कि इनकी ये दशा इस पर्टिकुलर पर्सन ने किया था, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ही देने के बाद मिस्टर ए डाइज, ठीक है। अब देखो डाइंग डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब डाइंग डिक्लेरेशन यानी अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, किन किन पर्सन्स के सामने वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि अब मरने के कगार पर है अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो किन किन पर्सन्स के सामने दे सकता है? देखो ऑलमोस्ट किसी के भी सामने दे सकता है, वेदर वाइफ, डॉक्टर, चिल्ड्रन, नेबर, पुलिस या पब्लिक, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है? एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन
देखो ये हमारा जनरल रूल है लॉ ऑफ एविडेंस का, कि अगर कोई पर्सन विटनेस के तौर पे खुद को प्रेजेंट करता है तो वो जो भी स्टेटमेंट देगा उन स्टेटमेंट्स को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है अपोजिट पार्टी के द्वारा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी स्टेटमेंट्स वो पर्सन दे रहा है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है और उसके उन स्टेटमेंट्स पर विश्वास किया जा सकता है। तो इट इज जनरल रूल दैट व्हेन अ विटनेस सेज समथिंग और व्हेन अ विटनेस टेस्टिफाइज समथिंग बिफोर द कोर्ट, इट शुड बी क्रॉस एग्जामाइंड बाय द ऑपोजिट पार्टी टू एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेस। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पर्सन जिसने कोई स्टेटमेंट दिया उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देने के बाद ही डाइज, वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो आप कैसे उस पर्टिकुलर पर्सन को विटनेस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हो बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो इसे एडमिशिबल माना जाता है भले ही उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कि एक्सपायर कर गया है एक स्टेटमेंट देने के बाद उसके उस स्टेटमेंट को भले ही क्रॉस एग्जामाइन नहीं किया गया फिर भी वो क्या होता है, एडमिशिबल माना जाता है, एविडेंस के तौर पे रेलेवेंट माना जाता है बिफोर द कोर्ट। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट विच आर कंसीडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। देखो हमने पहले ही कहा है कि सेक्शन 32 क्लियरली ये कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु इज डेड और हु कैनॉट बी फाउंड रेलेवेंट। देखो ये दो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ही रेलेवेंट माने जाएंगे। अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, अगर वो इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट देता है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स के अलावा वो अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट देता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गिवन बाय पर्सन रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ, अगर वो पर्सन जो कि अबाउट टू डाई है कोई स्टेटमेंट देता है रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ तो वो रेलेवेंट होगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में माना जाएगा। दूसरा, वो उन सभी सर्कमस्टांसेस को बता रहा है रिलेटिंग टू हिज डेथ तो ही वो क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में माना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट शुड बी गिवन रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ, या दूसरा सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा जो सेक्शन 32 है वो जिस मैगजीन पर बेस्ड है उसका नाम है नेमो मॉरिटर्न प्रोसू मेंटोर मेंटीरी। ठीक, नेमो मॉरिटर्न प्रोसू मेंटर मेंटीरी। देखो मॉरिटर्न वर्ड को आप मॉर्चरी से कनेक्ट करोगे, मॉर्चरी इस पर्टिकुलर मैगजीन को याद रखने के लिए। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेक्शन 32 जिस पर्टिकुलर मैगजीन पर बेस्ड है
उसका नाम बताइए, राइट। तो मॉरिटल वर्ड को हम मॉर्चरी से कनेक्ट करके देखेंगे। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है? शव गृह, राइट। तो मॉरिटन मॉर्चरी, जब कभी भी आपको ये मैक्सिम दिखेगा मॉरिटन, तो आप मॉर्चरी से कनेक्ट करोगे और रिकॉल कर लोगे कि ये जो पर्टिकुलर मैक्सिम है वो सेक्शन 32 का है, यानी सेक्शन 32 इस पर्टिकुलर मैक्सिम पर बेस्ड है, विच इज नेमो मॉरिटन प्रोसोमेंटर मेंटेरी, ठीक है। चलो, अच्छा ये पर्टिकुलर जो मैक्सिम है वो क्या कहता है देखो। अब एक बात समझो, एक पर्सन जो ऑलरेडी मरने के कगार पर है, कोई स्टेटमेंट देता है रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू हिज डेथ, और स्टेटमेंट देने के बाद वो मर जाता है, तो किस बिहाफ पर हम उसके स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पे मान रहे हैं, रेलेवेंट मान रहे हैं? क्योंकि उसके स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया है, उसके ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया गया है, उसके स्टेटमेंट के ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया गया है। सेक्शन 32 जिस पर्टिकुलर मैक्सिम पर बेस्ड है, विच इज नेमो मॉरिटन प्रोसोमेंटर मेंटेरी, ये पर्टिकुलर मैक्सिम यही कहता है, एक पर्सन जो ऑलरेडी अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर है, वो कभी भी अपने मेकर से अपने जबान पर झूठ लेकर के नहीं मिलेगा। यानी एक पर्सन जो कि अबाउट टू डाई है, वो कभी भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देगा। इसलिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन के स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पर मानते हैं, ठीक है, ओके। नाउ क्या पुलिस ऑफिसर डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या ये एडमिशिबल होगा? यस, हाँ। लेकिन देखो सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है, कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं होता। तो पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का, एक्यूज्ड पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है तो वो रेलेवेंट, ठीक है। चलिए, क्या साइन या जेस्चर एडमिशिबल होगा या इसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? सपोज करो कि मिस्टर ए मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड बिफोर डाइंग ही शोड हिज फिंगर टुवर्ड्स पर्सन हु डिड एक्सीडेंट, सो हियर दिस इज आल्सो अ वैलिड डिक्लेरेशन। सपोज करो मिस्टर आर जो कि बुरी तरह से इंजर्ड थे, या कोई भी नाम ले लो, वो बुरी तरह से इंजर्ड थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ और वो अबाउट टू डाई थे, यानी मरने के कगार पर थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी ये दशा किसने की, तो वो एक फिंगर से किसी पर्टिकुलर पर्सन को शो करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उसी पर्सन ने आपका एक्सीडेंट किया था, तो वो कुछ इस तरह से कहते हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर जेस्चर या साइन के थ्रू आइडेंटिफाई कराते हैं, तो ये भी क्या है, रेलेवेंट है। और ये जो जेस्चर है, ये जो साइन है, वो डाइंग डिक्लेरेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ठीक। नाउ फिटनेस ऑफ पर्सन हु मेक्स डाइंग डिक्लेरेशन, एक पर्सन जो कि डाइंग डिक्लेरेशन करता है, यानी मरने से पहले कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो मेंटली फिट होना चाहिए, यानी ही मस्ट नॉट बी अ लुनाटिक पर्सन, ही मस्ट बी मेंटली फिट, ही मस्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट। जिन भी क्वेश्चंस को उसके सामने रखा जा रहा है, उन क्वेश्चंस का रैशनल आंसर्स वो देना चाहिए,
मस्ट बी मेंटली फिट, और वो पर्टिकुलर पर्सन अपने किसी भी लोकल लैंग्वेज में स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक, अब मान लो एक पर्सन जो कि अबाउट टू डाई था, यानी मरने के कगार पे था, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट देता है और लकीली वो बच जाता है कि अलाइव, वो मरता नहीं है, तो क्या अब उसके स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा? नो। अब चूंकि ही इज अलाइव, वो अलाइव है, तो अब वो विटनेस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी स्टेटमेंट वो कोर्ट के सामने देगा, उन सभी स्टेटमेंट्स का प्रॉपर तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ओके। अब मान लो विक्टिम ने, यानी कोई विक्टिम था, उसने कोई FIR लॉन्च कराया था, FIR लॉन्च कराने के कुछ दिन बाद वो एक्सपायर कर जाता है, तो क्या FIR में उसने जिन भी बातों को लिखवाया था, क्या वो सभी डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट में देखे जाएंगे? यस। ठीक है, तो एक पर्सन जो कि FIR लॉन्च कराता है और FIR लॉन्च कराने के बाद कुछ दिनों के बाद वो एक्सपायर कर जाता है, तो FIR में लिखी जो भी बातें होंगी, जिस पर्सन के अगेंस्ट में लिखी होंगी, उस पर्सन के अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा और इसे डाइंग डिक्लेरेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन? ठीक है, एक है डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। देखो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन? हम जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के सामने किया जा सकता है, वेदर पुलिस ऑफिसर, वेदर डॉक्टर, वेदर फैमिली मेंबर, नेबर, पब्लिक, लेकिन डाइंग डिपोजिशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। डाइंग डिपोजिशन इज मच स्ट्रॉन्गर एविडेंस देन डाइंग डिक्लेरेशन बिकॉज इट इज बीइंग मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो डाइंग डिपोजिशन क्या होता है? एक पर्सन जो कोई स्टेटमेंट देता है किसी दूसरे पर्सन के सामने एंड देयर इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो ये कहलाएगा डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिक्लेरेशन में क्या था? एक पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, यहां भी क्या है, अबाउट टू डाई है, वो पर्सन मरने की हालत में है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में मजिस्ट्रेट के सामने वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, अपने किसी फैमिली मेंबर, नेबर, पुलिस, डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे रहा है हु इज अबाउट टू डाई। ठीक, डाइंग डिक्लेरेशन में ऑपोजिट पार्टी का एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि डाइंग डिपोजिशन में डिफेंडेंट का एडवोकेट प्रेजेंट होता है, तो डाइंग डिपोजिशन का क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन हो सकता है, जबकि डाइंग डिक्लेरेशन का क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो डाइंग डिपोजिशन इज मच स्ट्रॉन्गर एविडेंस देन डाइंग डिक्लेरेशन। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? याद रखना, डाइंग डिपोजिशन का क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट का एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट होता है, मजिस्ट्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन
डाइंग डिक्लेरेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसी पर्टिकुलर बेसिस पर डाइंग डिपोजिशन मच स्ट्रॉन्गर एविडेंस माना जाता है। वहीं डाइंग डिक्लेरेशन स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस नहीं माना जाता है, वीकर पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एडमिशिबल है बिफोर द कोर्ट। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। पहला, पर्सन हु मेक्स डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेंटली फिट, मेंटली फिट होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि उसके कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू डेथ से रिलेटेड नहीं होता है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। और एक पर्सन जो डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है, ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो जिन भी स्टेटमेंट को दे रहा है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के फियर, कोअर्जन या प्रेशर में आकर के नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोअर्जन, ठीक। अब कृष्णा लाल वर्सेस सगुन नाथ, जगुन्नाथ, ठीक है, कृष्णा लाल वर्सेस जगुन्नाथ के केस में कोर्ट ने यह कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है कि पर्सन हु इज गिविंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू हिज डेथ, दैट स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, कोर्स, ठीक है, ओके। तो ये था डाइंग डिक्लेरेशन का जनरल कॉन्सेप्ट जिसे हमने इस वीडियो में समझा। इस वीडियो के माध्यम से डाइंग डिक्लेरेशन के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैंने समझाने की कोशिश करी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम बेयर एक्ट के लैंग्वेज को रीड करेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे, केस लॉज समझेंगे, तो हमें सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होते चलेंगी, क्योंकि हमने डाइंग डिक्लेरेशन के जनरल कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मैं चाहता तो सेक्शन 32 डायरेक्ट ऐसे पढ़ा देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपको समझ में कम आता। तो इसलिए जो भी ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ज़रूरी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हर तरह से क्लियर, ठीक है। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।